साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्यासी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो वर्तमान में भारत देश का सबसे ज़्यादा ज्वलंत और चर्चा का विषय है। बात है अपने सतना से महज 150 किलोमीटर दूर झांसी जिले की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना ने पूरे देश में मेडिकल विभाग पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है। 10 बच्चों की जिंदा जलने की इस घटना ने पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई करने का दिखावा कर रहा है। इस घटना का असर सतना समेत आसपास के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग चर्चा कर रहे हैं जिनके बच्चे हॉस्पिटल में हैं, ये कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में है, वो सभी कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित है। हालांकि इसमें कोई ऐसा एक्शन मोड अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं लिया गया। बात करें खामियों की, तो व्यापक खामियों के बीच में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। आज के इस गंभीर विषय का सबसे महत्वपूर्ण एक राजनीतिक पहलू निकल कर आया है, जहां पर झांसी प्रशासन द्वारा घटना में शामिल होने आए स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में चूना डालकर उन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे वो किसी बहुत बड़े महान कार्य में शामिल होने आ रहे हों। इससे भाजपा की चारों तरफ निंदा हो रही है, भाजपा की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी घटना हमारे प्रदेश में भी ना हो, इसके लिए मोहन यादव सरकार को चाहिए कि व्यापक बंदोबस्त करें और ऐसी घटना होने से बचें। बात करें सतना जिला की, तो सतना जिला में मेडिकल सुविधाओं के क्या हाल हैं वो आप सभी से छुपे नहीं हैं। इनमें भी व्यापक दुरुस्तीकरण की ज़रूरत है, न केवल शासकीय हॉस्पिटल बल्कि कई खामियों के साथ यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी संचालित हैं। ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मोहन यादव सरकार को तत्कालिक कदम उठाने चाहिए।